जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग सबसे पहले लाइक करेंगे वीडियो को। और आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों फनी ट्रिक, है ना। मध्य प्रदेश में प्रथम और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रथम हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और जितने भी प्रथम प्रथम है ना मध्य प्रदेश में, वो आज हम याद करने वाले हैं, ठीक है। आप MPPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, या MP पुलिस, MP जेल प्रहरी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें MPGK पूछा जाता है, उसके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, और इसके पहले के बहुत सारे वीडियो हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे ट्रिक की वीडियो आप अवश्य देखें। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। चलिए, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश जो नाम दिया वो किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश नाम दिया। इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, है ना। इसे लघु भारत भी कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, है ना। अब दोस्तों आपको बताना है आज हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले आपका टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपको कुछ हिंट देकर ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों। आप राज्यपाल जानते हैं गवर्नर साहब, और ये प्रथम कौन थे? तो चार विकल्प हैं, दो सेकंड भी आपके पास हैं दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश राज्य बना होगा और प्रथम जो राज्यपाल बना होगा, तो उसके पास सभी लोग क्या करने आते हैं? सीताराम करने, सीताराम राज्यपाल, सीताराम, है ना। तो उसके पास सभी लोग मिलने आए होंगे और सभी ने राज्यपाल जी से सीताराम बोली होगी, तो प्रथम राज्यपाल कौन बनेंगे? सीताराम बोली होगी, इसलिए पंडित डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, है ना। सीतारमैया यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब राज्यपाल बने तो सब लोग मिलने आते हैं, सीताराम बोलने आते हैं, ठीक है। तो बी नंबर आपका यहाँ पर ए है दोस्तों, प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, इनको देखें, ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। दोस्तों अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे हैं। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों, आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथ ही वो बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट से संबंधित अगर कोई आपको डाउट लगता है, तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे, और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे MPPSC पुलिस जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना।
और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है ना, ऐसे याद भी करना है दोस्तों। अगला बताना है आपको मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। जी हाँ दोस्तों, अभी राज्यपाल देखा लेकिन अब महिला राज्यपाल आपको बताना है। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि जो भी महिलाएं होती हैं, अधिकारी महिलाएं होती हैं, बड़ी सरल होती हैं, बहुत सीधी होती हैं और सारे जो लोक सेवा के कार्य होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझती हैं। तो महिला राज्यपाल बनेंगी तो कौन बनेंगी, जो सीधी होंगी सरल होंगी तो कौन बनेंगी, सरला ग्रेवाल, है ना। यानी कि आपका बिल्कुल नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम महिला राज्यपाल बनी सुश्री सरला ग्रेवाल, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ए हैं दोस्तों सरला ग्रेवाल, ठीक है। ये सरला ग्रेवाल हैं और ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, है ना। अगला दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी। अब दोस्तों महिला राज्यपाल हमने देखा लेकिन अब प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, तो प्रथम कौन थी, तो आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि आदिवासी है ना, तो आदिवासी जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, उर्मिला सिंह, है ना। क्या मिला, मिला मौका मिला, आदिवासी को भी मौका मिला राज्यपाल बनने का, तो उर्मिला सिंह, है ना। ये मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल थी और आ नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, और मिला से। अगला दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब एक चीज बताना दोस्तों, आप कॉमन सेंस है कि जब मध्य प्रदेश राज्य बना होगा या मध्य प्रदेश का उदय हुआ होगा, है ना, मध्य प्रदेश का उदय हुआ होगा, ठीक है, तो उदय काय का भी होता है, रवि का भी उदय होता है। मध्य प्रदेश का उदय हुआ तो रवि का भी उदय होता है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का उदय हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बना तब इसे मुख्यमंत्री की जरूरत होगी, तो मुख्यमंत्री का भी उदय हुआ और उदय सूर्य का भी होता है, रवि का भी होता है, तो कौन थे, रवि शंकर शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये फोटो में देखो जरा, ये थे दोस्तों रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अब महिला मुख्यमंत्री बताना है तो अब महिला मुख्यमंत्री बनेंगी तो कोई भारतीय बनेंगी कि विदेशी बन जाएंगी, है ना, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, भारती बनेगी तो उमा भारती, ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये दोस्तों आप मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था या कौन थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी। अब दोस्तों एक चीज बताना कि कांग्रेस के लोग बहुत बार बन रहे थे तो फिर जोश में आ गए कौन, कैलाश जोशी जोश में आ गए और ए बन गए, बोले हम जोश में हैं, हम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जोश में आके बन गए थे, ठीक है। तो कैलाश जोशी एक गैर कांग्रेसी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे कैलाश जोशी साहब, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये थे दोस्तों कैलाश जोशी साहब, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो महानिरीक्षक बताना है दोस्तों कौन थे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बीजी घाटे, कौन थे पुलिस महानिरीक्षक, कौन थे बीजी घाटे। और एक चीज बताना कि पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक होते हुए भी क्या घाटे में रहेंगे घाटे में, है ना, तो पुलिस महानिरीक्षक घाटे में नहीं रहेंगे, तो प्रथम पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश के कौन होंगे, बीजी घाटे साहब, ठीक है, महानिरीक्षक, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बताना है दोस्तों। आपने देखा होगा
कि पंडित जी जब विधि विधान बनाते हैं कहीं का विधि विधान बनाते हैं तो एक छोटी सी कुंजी लिए रहते हैं और उसमें से पढ़ते जाते हैं, कुंजी है ना, क्या बनाते हैं, विधि विधान बनाते हैं तो कुंजी लिए रहते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, विधान बनाना है, विधि विधान बनाना है तो कुंजी से पढ़ना है और कुंजीलाल दुबे ये विधानसभा अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के प्रथम, और ये हैं दोस्तों है ना, ये कुंजीलाल दुबे साहब हैं मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब अगला दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। अब दोस्तों एक बात बताएं, जब प्रथम विपक्ष के नेता बनेंगे तो क्या कहेंगे, विष्णु भगवान से जाएंगे, भगवान मुझे विपक्ष का नेता बना दिया है, अब मेरी मदद करना, है ना, विपक्ष का नेता, ये प्रथम विपक्ष के नेता थे विधानसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा में, कौन, विष्णु भगवान के पास जाएंगे तो विष्णुनाथ तामस्कर, कौन थे, विष्णुनाथ तामस्कर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अगला जो आपका हो जाएगा वो क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, मुख्य सचिव। अब एक बात बताना दोस्तों कि जो मुख्य सचिव होते हैं उनको काम रहता कि नहीं रहता, आपको ही उत्तर बताना है, बहुत सारे काम रहते मुख्य सचिव के पास, क्या रहते हैं, काम। तो प्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया जाएगा, एच एम कामत, काम से कामत, ठीक है, एच एम कामत है ना, और उस समय जब प्रथम बने होंगे तो और बहुत सारे काम होंगे, तो एच एम कामत साहब को बनाया गया, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला आपको बताना, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश बताना है कौन थे, चार विकल्प हैं, दो सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, और दोस्तों न्यायाधीश के पास जब जाते हो है ना, जब आपकी जमानत होती है तो न्यायाधीश क्या बोलते हैं, हिदायत देते हैं, हिदायत देते हैं कि बेटा अगर अब की बार अपराध किया तो अब नहीं बचोगे, है ना, क्या देते हैं, हिदायत देते हैं, तो प्रथम न्यायाधीश कौन होंगे, हिदायत देते हैं तो हिदायतुल्ला, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये थे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्ला, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना है। अगला आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस कौन थी, आईएएस। अब एक चीज बताना दोस्तों, जो आईएएस बनेगा वो कठोर व्यक्ति बनेगा या निर्मल व्यक्ति बनेगा, आपको ये बताना है, आईएएस बनेगा तो निर्मल व्यक्ति ही बनेगा, यानी कि जो प्रथम महिला आईएएस थी वो कौन थी, निर्मला बुच, निर्मल बनेंगी तो निर्मला बुच, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस थी, और ये थी दोस्तों निर्मला बुच जो मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस बनी, ठीक है। और दोस्तों ये प्रथम महिला मुख्य सचिव भी बनी, निर्मला बुच, ऐसा भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बुच, ठीक है, ऐसे भी, और ये आईएएस भी निर्मला बुच, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस, आईपीएस कौन थी, तो जल्दी से बताएंगे। अब दोस्तों एक बात बताना कि आईएएस बन गई कौन, निर्मला, कोई निर्मल व्यक्ति ही बनेगा तो निर्मला बुच हो गई। अब आईपीएस से भी तो हमें आशा रहती ना कि कोई नया आईपीएस आया है वो बहुत अच्छा काम करेगा, आशा रहती कि नहीं रहती, आशा रहती है। तो प्रथम महिला आईपीएस बनी कौन, आशा गोपाल, कुमारी आशा गोपाल, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी, ठीक है, ये हैं दोस्तों कुमारी आशा गोपाल, इनको देख लें। और अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश के प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे। अब दोस्तों एक चीज बताना, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, योजना मंडल, आप लोग योजना बनाते हो जब कोई भी चीज, तो प्रकाश में बनाते हो कि अंधेरे में बनाते हो, जल्दी बताओ, योजना बनाते हो तो काय में बनाते हो, प्रकाश में बनाते हो, तो योजना मंडल के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष होंगे कौन, प्रकाश चंद्र सेठी, यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा, ये प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष थे प्रकाश चंद सेठी साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, सूचना आयुक्त बताना, टी एन श्रीवास्तव, कैलाश जोशी, शीतला सहाय, या फिर एन वी लोहानी, तो मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो जल्दी से बताना है दोस्तों, आपको पता है कि आप लोग बोलते हैं कि वास्तव में सूचना की क्रांति सी आ गई है, वास्तव में सूचना की क्या आ गई है, क्रांति सी आ गई है, तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन बनेंगे, वास्तव, यानी कि श्रीवास्तव, टी एन श्रीवास्तव, है ना, आ नंबर आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है टीएन श्रीवास्तव साहब। अगला दोस्तों आपको बताना है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त कौन थे, लोकायुक्त, तो प्रश्न क्रमांक 17 है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पीबी दीक्षित। कौन थे, प्रथम लोकायुक्त थे पीबी दीक्षित, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, पुलिस महानिदेशक है ना, तो एक चीज बताना, जहां पर पुलिस निदेशक बनेंगे तो वहां पर क्या पीबी पीवा होगा, क्या लोग पीबी वीबी करेंगे, क्या नहीं पिएंगे ना, तो पीबी पीबी कौन, पीबी दुबे महानिदेशक बने थे, पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक पीबी दुबे, ठीक है पीबीई भी नहीं करना है, पीबी भी नहीं करना महानिदेशक के सामने, तो प्रथम पुलिस महानिदेशक पीवी दुबे, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा एक चीज बताना दोस्तों, लोक सेवा यानी कि इस लोक की सेवा है ना, लोक की सेवा के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया, ठीक है, तो अब लोक सेवा के लिए हमें क्या रहना है, रेडी रहना है, क्या रहना है, रेडी रहना है लोक सेवा के लिए, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, रेड्डी बनेंगे, डीवी रेड्डी, क्योंकि लोक सेवा के लिए रेडी रहना पड़ता है, तो लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन, डीवी रेड्डी साहब, ठीक है, तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, निर्वाचन, तो आप लोग जब देखते हैं दोस्तों निर्वाचन जब होता है तो लोग एक दूसरे से क्या लेते, लोहा लेते हैं, क्या लेते, लोहा, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, तो निर्वाचन जब हो रहा है तो लोग एक दूसरे से लोहा ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त बनेंगे वो कौन बनेंगे, एन बी लोहानी, कौन बनेंगे, एन बी लोहा, लोहा से लोहानी, क्योंकि निर्वाचन में लोग लोहा लेते हैं, इसलिए एन बी लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने, ठीक है। अब दोस्तों आपको याद कैसे हुआ है, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं, नई नई ट्रिक मैंने आपको निकाल करके दी हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर भी आपको करना है दोस्तों, और इसके पहले बहुत सारे मध्य प्रदेश जीके से संबंधित नर्मदा जलप्रपात हैं, नदियाँ हैं, अभ्यारण्य हैं, उद्यान हैं, है ना, पर्वत हैं, मेले हैं, उत्सव, सब कुछ याद करवाया है मैंने, जरा देखें प्ले लिस्ट में जाकर। और ये चैलेंज प्रश्न है आपका कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये चैलेंज प्रश्न जो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, इसका उत्तर आपको ही बताना है, और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना, तो यहाँ पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, MPSI बैच कोर्स, और MPPSC का भी चल रहा है मेंस, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों, MP पुलिस, ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप एक महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन, अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। आप तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में, ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का, ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है,
और 10% डिस्काउंट के बाद 11,520 है, यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।